हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गट्टे की सब्ज़ी या फिर बेसन की सब्ज़ी। इसके लिए मैंने यहाँ पर पानी ले लिया है और इसे मैंने उबलने के लिए चढ़ा दिया है। और यहाँ पे मैं मसाले यूज़ कर रही हूँ, वह है धनिया और जीरे का पाउडर, हल्दी, मिर्च और ये गरम मसाला और ये काली मिर्च। तो और फिर मैं यहाँ पर ले रही हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट, और इसमें मैंने दो तीन मिर्च भी ऐड किया है, और ये है दो टमाटर और दो प्याज, बड़े प्याज कटे हुए। और यहाँ पर मैंने ऑयल लिया है और सॉल्ट। तो चलिए, अभी मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है और अब बेसन का डो तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने बेसन ले लिया है एक कप के अराउंड। तो मैं हल्दी, मिर्च, धनिया जीरे का पाउडर और काली मिर्च ऐड कर दिया है, और इसमें अदरक और मिर्च का पेस्ट भी डाल दिया है, लहसुन का पेस्ट, और थोड़ा सा ऑयल दिया है। ऑयल से ये डो थोड़ी सॉफ्ट बनेगी और इसे जब हम फ्राई करेंगे तो वो इसमें एक खस्ता सा टेस्ट आएगा। और इसमें मैंने यहाँ पर ये नमक ऐड कर दिया है। तो मैं इसे एक अच्छे से हार्ड डो तैयार कर लूँगी। इसमें पानी बहुत ही कम ऐड करना है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने डो तैयार कर लिया है। इसमें बहुत ही कम पानी यूज़ करना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा अच्छे से। और यहाँ पर देखिए, मैंने ये डो तैयार कर लिया है। अब मैं इसकी गोल गोल लोई बना लूँगी इस तरह से। ये देखिए, मैंने इतनी गोल लोई बना ली और यहाँ पे मेरा पानी उबल गया, और अब मैं इसमें वो लोई को डाल करके ढक दूँगी और इसे उबलने के लिए 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। ये देखिए, 15 मिनट के बाद ये मेरी जो उबल चुकी है और ये प्रॉपर से पक गई है। अब मैं इसे निकालूंगी और यहाँ पे निकाल के मैं इसे कट कर लूँगी। ये आप इसे किसी भी शेप में कट कर सकते हैं, पर मुझे ये शेप अच्छा लगता है इसलिए मैंने इस शेप में इसे कट किया है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने काट करके ये तैयार रख लिया है। अब मैं उसी बर्तन में ऑयल डालूँगी और फिर उसमें वो बेसन को शैलो फ्राई होने के लिए रख दूँगी। ये देखिए, यहाँ पर मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ। आप इसे चाहे तो फ्राई भी कर सकते हैं, डीप फ्राई, पर मैं यहाँ पर शैलो फ्राई कर रही हूँ अच्छे से। और ये देखिए, यहाँ पर ऑलमोस्ट ये शैलो फ्राई हो चुका है। ये कुरकुरी हो जाएगी जब आप इसे फ्राई करेंगे। तो मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर निकाल लूँगी और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है ये गट्टे की सब्ज़ी, बेसन की सब्ज़ी, जो भी आप कहें, बहुत ही टेस्टी लगती है, राइस या रोटी किसी के साथ भी। तो यहाँ मैं इसे निकाल लूँगी और मैं अब इसमें, ये देखिए, अच्छे से सारे जो हैं पूरे अच्छे से मैं निकाल लूँगी। और अब मैं इसी में ऑयल में अनियन डाल दूँगी, और ये मैंने अनियन ऐड कर दिया है, और इसे मैं अच्छे से चला लूँगी और इसको फिर कवर करके धीमी आंच में पकाऊंगी। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसमें नमक ऐड करूँगी ताकि ये अच्छे से पक जाए और गल जाए अनियन। तो यहाँ पे मैं इसे कवर करके धीमी आंच में पकाऊंगी। तो ये देखिए, दो तीन मिनट के बाद मैंने इसे यहाँ पर चला के देखा, और ये देखिए, ये अच्छे से ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें टमाटोज ऐड कर दूँगी, और यहाँ पर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट 3 स्पून डाल रही हूँ, 3 चम्मच ऐड किया मैंने। और यहाँ पर अब मैं डाल रही हूँ 1 स्पून काली मिर्च, 1.5 चम्मच धनिया और जीरे का पाउडर, 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच गरम मसाला, और मैं यहाँ पे नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर नमक 1.5 चम्मच यूज़ कर रही हूँ और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये अदरक और लहसुन का पेस्ट भी मैंने मिर्च भी ऐड किया था, तो वो अदरक लहसुन का पेस्ट और मिर्च मैं इसमें डाल के अब मैं मसालों को पकने के लिए छोड़ दूँगी। ये देखिए, मैं इसे अच्छे से भून लूँगी इसमें तेल, जब तक मसाले तेल ना छोड़ दे तब तक मैं इसे भूनूँगी और धीमी आँच पर कवर करके भूनूँगी ताकि सारे मसाले अच्छे से गल जाएँ और वो एक ग्रेवी, थिक ग्रेवी के जैसे हो जाए। ये देखिए, पूरे मसाले गल गए हैं मेरे। अब मैं इसमें वो बेसन डाल दूंगी और फिर उसको फिर से मैं एक बार मिक्स कर लूंगी। और इसमें वो बेसन का पानी, जिस पे बेसन हम लोगों ने उबाला था, वो पानी मैंने बचा के रख लिया था, उसी को मैंने इसमें ऐड किया है। और मैं इसे अब कवर कर दूंगी और कवर करके पकने दूंगी।
और इसमें मैं यहाँ पर थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ। तो ये देखिए, इसे मैं मिक्स कर लेती हूँ और इसे कवर करके छोड़ देती हूँ। ये देखिए गाइस, मेरी सब्जी ऑलमोस्ट डन होने वाली है। ये ऊपर का जो उसमें ऊपर ये झाग आ रही है ना, ये झाग थोड़ी कम हो जाए तब तक हम इसे कुक करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं फिर से इसे कवर कर देती हूँ और 5 मिनट के बाद आकर के देखती हूँ। ये देखिए, मेरी सब्जी बहुत ही अच्छे से पक गई है और ये ग्रेवी भी ठीक हो गई है। तो इसे मैं आपको दिखाती हूँ और एक बार कवर करके। ये देखिए, मेरी सब्जी पूरी रेडी हो गई है। तो और ये बेसन की सब्जी तैयार है, तो मैं अभी से आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए, इसमें कितना अच्छा कलर आया है। तो मैं आपको एक बाउल में निकाल के दिखा रही हूँ। ये देखिए, इसमें कितनी अच्छी कलर आई है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। ये देखिए, मेरी बेसन की सब्जी तैयार है। तो आप भी इसे बनाएं, खाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।